शादी विवाह और शुभ कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कोहबर कला का प्राचीन काल से ही अपना विशेष महत्व है, लेकिन धीरे धीरे करके शहरी क्षेत्रों में यह कला अपना अस्तित्व खोते जा रही है, जिसको पुनर्जागृत करने के लिए बस्ती में राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा और बस्ती विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में बस्ती के टाउन क्लब में कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं द्वारा कोहबर कला को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़कर पेश भी किया जा रहा है और लोगों को इसके प्राचीन और धार्मिक महत्व के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बताना चाहूंगी कोहबर के बारे में कि कोहबर जो कि एक शाब्दिक अर्थ उसका समझ लें कि कोह मतलब खोह एक गुफा और वर मतलब वर के रहने का स्थान कोहबर, दूल्हे के रहने के स्थान को कोहबर कहा जाता है। तो कोहबर ऐसी चित्रकला है जिसके लोक चित्रकला है, मूलतः ये झारखंड की लोक कला है लेकिन ये बिहार से होती हुई पूरे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका कहीं ना कहीं चलन हो गया। तो इस आर्ट के माध्यम से जो नव दंपति होती है विवाह के उपरांत उसको आशीर्वाद स्वरूप ये चित्रकला सृजित की जाती है। उसमें आशीर्वाद के लिए जो कुल देवता होते हैं उनके चित्र, जैसे शिव शक्ति का चित्र, गणेश के चित्र, स्वास्तिक कलश और जो है कुछ पैर बनाए जाते हैं, जैसे मछली के पैर बनाए जाते हैं क्योंकि मछली अपने आप में एक संपन्नता का प्रतीक है, धन धान्य का प्रतीक है, और गंगा यमुना के चित्र बनाए जाते हैं क्योंकि ये नदियाँ जो है अटल मानी जाती हैं, अमर मानी जाती हैं, अजर अमर हैं। सूरज चंद्रमा का इसमें अंकन किया जाता है क्योंकि सूरज और चंद्रमा हमारे बिल्कुल अजर अमर कहे जाते हैं, तो ऐसा माना ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि ऐसे शुभ संकेतों को चिन्हित करके अंकित करके हम नव दंपति को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनका जीवन भी चिरस्थायी बहुत सुखपूर्वक जीवन पर जो है वो पूर्वांचल की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, अवध की बहुत ही समृद्ध लोक परंपरा है जो शादी विवाह के अवसर पे हर घर में पहले बनाया जाता था, आज भी है, मगर ये है कि अब लोग थोड़ा छपे हुए चित्र ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन जो प्राचीन हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो कोहबर की बहुत ही संपन्न रही है और ये निरुद्देश नहीं बनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे बहुत मकसद है। इसमें वर वधु का जो वैवाहिक जीवन दर्शन है वो पूरा इस कोहबर चित्र में सुलटा हुआ होता है, जैसा कि भारतीय विवाह का एक उद्देश्य होता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम जो वर वधु हैं वो धर्म करें, फिर उसके हिसाब से कर्म करें, फिर ऐसे मतलब धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। ये सारा जो अर्थ होता है ये सारा इस कोहबर में रहता है। तो जो भी यहाँ चिन्ह है वो प्रतीकात्मक है, वर वधु अपने जीवन को कैसे आगे चलाएं, कैसे वो संतान उत्पत्ति करके फिर वो समाज को आगे बढ़ाएं, धर्म के साथ रहें, तो कोहबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चित्र। और इसलिए ये सारे महिलाओं में या हम कह रहे समाज में फिर से इसे एक अच्छा रूप देना चाहिए, और जो महिलाएँ नहीं बनाती हैं आज के फैशन के दौर में तो उन्हें ये बनाना चाहिए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट। की तरफ से ये कोहबर कार्यशाला का विगत 3 दिनों से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। और कोहबर जो हमारी संस्कृति है कहीं ना कहीं विलुप्त होती सी दिखाई दे रही है, उसको हमने फिर से जीवंत रूप प्रदान करने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कहीं ना कहीं से ये जो कोहबर हम अपने घरों में बनाते हैं वो कहीं ना कहीं से विलुप्त होती जा रही थी। इसमें नव दंपति का आगमन जो घरों में होता है वो हम चित्रों के माध्यम से अपने कुल देवता और परंपरा को उन्हें अवगत कराते हैं कि इस तरह से आपको जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसके लिए आपको इस कोहबर के माध्यम से हमें जानकारी देते हैं।